हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और आज के व्लॉग में मैंने कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू दिया हुआ है, जो कि मैं आगे इनके नाम विद प्राइजेस मेंशन कर दूँगी। यहाँ मेरे बाल जंगली हुए पड़े हैं, तो मैं अपने बालों को थोड़ा टाई करने का लगी यहाँ पर। तो ये प्रोडक्ट्स देखो आप पहले। तो आज की वीडियो में मैंने जो जो चीज़ें यूज़ की हैं वो है ये O3 का लोशन और ये O3 का D10। मैंने ब्लूबेरी वाला D10 लिया हुआ है और ये अशोर का एलोवेरा जेल, एलोवेरा कुकुम्बर जेल, और ये एसेंशियल ऑयल लिया हुआ है मैंने। और जो जो चीज़ें थोड़ी बहुत यूज़ की हैं वो भी दिखाई देती हूँ। और ये वाली ग्लॉस जो मैंने रवि भैया की दुकान से ली थी, और ये मेरा ऑयल। तो ये चीज़ मैंने नायका से ऑर्डर किया, O3 का लोशन भी मैंने नायका से ऑर्डर किया है, और मैंने ये भी D10 फेशियल भी नायका से ऑर्डर किया है। और इसका प्राइस आप देख सकते हो, ये है। अगर मे बी आपको नायका पे ऑफ़र मिले तो आपको थोड़ा सस्ता मिल जाए, मुझे याद नहीं है मुझे कितने का मिला था, बट ये अच्छा है काफ़ी। आपको बता दूँगी आगे रिव्यूज़ का। और ये इसका प्रिंट रेट हट गया थोड़ा, ये 499 का था लोशन। और ये जो एसेंशियल ऑयल है, और इसका प्रिंट रेट क्या है 500, बट ये इस प्रिंट रेट पे नहीं मिलता है, इसका रेट थोड़ा कम हो जाता है। ऑफ़र्स होते हैं इसमें, कभी 10%, कभी कितने परसेंट। और ये 315 रुपीज़ की, ये दिस वन, ये मेरी फेवरेट है। ये बहुत लाइट सा कलर देती है लिप्स में आपके, मतलब पिंकिश कलर देती है, जो मुझे अच्छा लगता है। तो अगर किसी और ने लेना होगा तो नाम पढ़ लो। ये तो मैंने शॉप से लिया है रवि भैया की, ऑनलाइन मैंने कभी चेक नहीं किया इसको। और ये पानी जो कि मैंने अपने किचन के एक्वा गार्ड से लाया हुआ है। तो बाल मैंने अपने अच्छे से टाई कर दिए, आगे पिंस भी लगा दी ताकि इस प्रोसेस में मेरे मुंह पे बाल ना आए। ये यहाँ पे मैं लोशन ले रही हूँ थोड़ा सा, ये मुझे खोलने ही नहीं आ रहा था कि ओपन होगा कहाँ से, बट फिर हो गया ओपन। तो मैंने थोड़ा सा लोशन लिया, अपने फेस पे लगाया, एंड थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ करते करते मैंने इससे थोड़ी मसाज की, जिससे मेरा फेस काफ़ी क्लीन हो गया, आप देख सकते हो। और ये सब जब हम करते हैं ना, ये मसाज, तो ना मतलब जो पूरे दिन की थकान होती है वो सारी निकल जाती है। फेस तो क्लियर होता ही होता है, बट काफ़ी ज़्यादा आप ट्राई करना इसको, आपकी जो थकान होगी वो आपकी सारी थकान निकल जाएगी। मेरे साथ तो होता है ऐसा है कि जो मैं थकी हुई होती हूँ, ये जब मैं अपने फेस केयर एंड ऑल दैट होता है ना करती हूँ, जो मेरे अंदर थकान होती है वो ख़त्म हो जाती है। मैं बड़े मज़े से अपनी फेस केयर करती हूँ, फिर मतलब मज़ा आ जाता है मेरे को। बस देखो अब आप, मुझे ऐसे प्रॉपर स्टेप्स तो नहीं आते हैं ये फेशियल के, बट इतना आ जाता है कि अपना फेस मेरा क्लीन हो जाता है, खुद मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ, इतना मैं कर लेती हूँ। तो देखो अब मैं थोड़ा सोल्यूशन और लूँगी, फिर थोड़ा पानी की हेल्प लूँगी बीच बीच में, और अपना फेस अच्छे से क्लीन करूँगी। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ, जो लोग सोचते हैं ना कि हम फेस पे कुछ यूज़ कर रहे हैं तो हम बड़े ज़्यादा गोरे चिट्टे से हो जाएंगे, नो ब्रो नो सिस्टर, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपका फेस क्लीन होता है, आपके फेस में गंदगी नहीं रहती है, आपका फेस क्लियर दिखता है ऐसा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप गोरे चिट्टे हो जाओगे, ऐसा नो ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी मैं ये सब कॉटन से अब रिमूव करूँगी। अगर आपने गोरे चिट्टे होना तो आप एक काम करो, मुंह पे मत दो, उसके ऊपर फाउंडेशन लगा दो, आप गोरे चिट्टे हो जाओगे। बट अगर आपने फेस क्लीन करना है तो ये सब प्रोसेसेस हैं, बट अगर आपने गोरे चिट्टे होना है तो उसके लिए ये सब नहीं है, ये सिर्फ फेस क्लीन करने के लिए है, टैनिंग रिमूव करने के लिए। जो आपको टैन होता है, आपका रियल कलर इससे चेंज नहीं करेगा, जो आपका रियल कलर होगा वही रहेगा। अब मैंने अपना फेस पैक लगाना स्टार्ट कर दिया, ये D10 फेस पैक है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और O3 का तो आई थिंक बेस्ट ही होता है,
तो मुझे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट यही लगता है। इसको लगा रही हूँ मैं अच्छे से, और जब आप इसको लगाओगे ना आपके फेस पे ना ठंडक ठंडक सी पड़ेगी मुझे तो। और इसकी खुशबू तो इतनी ज़्यादा प्यारी है ना, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। तो ये मैं लगा रही हूँ और मैं इसको 10 मिनट के लिए रखूँगी अपने फेस पे, उसके बाद मैं अपना फ़ेस वॉश कर दूँगी। नॉर्मली कुछ रगड़ना नहीं है, नॉर्मली फ़ेस वॉश ही करना है इसके बाद। तो फेस मैंने अपना वॉश कर दिया है, तो अब मैं अपना फ़ेस नॉर्मल ये अपना फेस सुखाऊंगी, ड्राई करूंगी, उसके बाद मैं कुछ चीज़ें अप्लाई करूंगी। तो देखो मैं क्या क्या अप्लाई करती हूँ। तो ये वही जेल आ गई, और इसके साथ मैं एसेंशियल ऑयल यूज़ करूंगी। मैं थोड़ी सी जेल अपने हाथ में लूंगी, देखो कितनी सी ले रही हूँ। थोड़ा सा मैं एसेंशियल ऑयल भी यूज़ करूंगी, इसके साथ मैं मिक्स करके अपने फेस पे लगाऊंगी। देखो एसेंशियल ऑयल कितना सा लिया मैंने, ये एक ड्रॉप, ये दूसरा ड्रॉप गिर नहीं रहा था अच्छे से, तो मैंने इसको फिर भी जैसे तैसे करके दूसरा ड्रॉप ले ही लिया। फिर अब मैं इन दोनों चीज़ों को बंद करके साइड पर रखूँगी पहले, फिर उसके बाद जो ये मैंने एक हाथ पे मिक्स किया हुआ है मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी पहले, फिर मैं इसको अच्छे से पहले अपने हाथों को रगड़ूँगी अच्छे से ताकि ये थोड़ा हीट प्रोड्यूस करे, फिर इसके बाद मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई कर दूँगी। और बस इतना ही। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं गोरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, बट मुझे पता है कि मेरा फेस क्लीन हो गया है, तो दैट्स इट। अब इसके बाद मैं अपनी, तो ये रही मेरी लिप बाम जो कि मुझे प्यारी लगती है, बड़ी लाइट सी शेड है इसकी बट अच्छी है ये काफ़ी ज़्यादा, मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट है ये डेली यूज़ के लिए। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे अपने बालों का, इन झाड़ भरे बालों की भी थोड़ी सी ऑयलिंग करूँगी जो कि बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे एक सजेशन चाहिए अगर कोई मेरी वीडियो लास्ट तक देखेगा तो, कि मैं अपने बालों को स्मूथनिंग करवाऊं या नहीं करवाऊं। मैं सोच रही हूं कि मैं अपने बालों के झाड़ भरे बालों को स्मूथनिंग करवाऊं जो कि मेरे से संभाले नहीं जाते हैं, इतनी बार तो मैं इनकी कटिंग करवाती हूं बट ये फिर से मतलब ऐसे ही हो जाते हैं। तो मुझे एक सजेशन चाहिए कि मैं झाड़ भरे बालों में स्मूथनिंग करवाऊं या ना करवाऊं। तो चलो मैं कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कोई मेरी वीडियो इस तक देख रहा होगा। तो हो गई मेरी ऑयलिंग, तो ख़त्म करते हैं मेरा व्लॉग, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।